वेलकम बैक चिल्ड्रन कंटिन्यूइंग द पेज नंबर एटी एट आई टुक दर्ड पैराग्राफ इन बिटवीन मालूम हो सकता है नाव आई एम कंटिन्यूइंग मगर हार जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताब पढ़ लें बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें सो बट बाई नोइंग दिस कंडीशन ऑफ आवर अर्थ It is, no, no, it is uh, not an idea or it is not a way uh, that uh, only we can read and understand the other's book. But we can observe our uh, our world and Rupi Pustak means our world like a book and you can observe them and you can understand what all things are there. Muje asha hai. कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी होप दैट यू कैन ऑब्जर्व द स्टोन्स एंड द माउंटेन्स इफ यू ऑब्जर्व ए लॉट विथ इन लिटिल डेज यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन एंड यू विल लर्न हाउ टू ऑब्जर्व दिस नेचर एंड ऑल सोचो कितनी मसे की बात है इट इज वेरी इंटरेस्टेड थिंग इंटरेस्टिंग थिंग बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व योर नेचर सो मेनी थिंग्स यू कैन सी एक छोटा सा रोडा ए स्मॉल स्टोन दैट इज ऑल्सो राउंड लाइक सर्कल लाइक ए स्टोन जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो इफ यू सीन ए स्मॉल राउंड लाइक ए स्टोन ना मीसम कलर यू आर गेटिंग इट फ्रॉम सम माउंटेन्स अंडर अंडर द माउंटेन और समवेयर एस ऑन द रोड समवेयर शायद संसार के पुस्तक का छोटा सा प्रश्न हो एंड माई पीट इज ए स्मॉल पेज लाइक ऑफ द आवर बुक ऑफ वर्ल्ड നമ്മുടെ സംസാരമാകുന്ന നമ്മുടെ ദുനിയാകുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പേജ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ശായദ് ഉസ്സേ തമ്മെ കോളൂമ്സ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആ സം നോളജ് ഓഫ് ദറ്റ് സ്റ്റോൺ ഷർത്ത് യഹി ഹെ ഓൺലി ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് തമ്മെ ഉസേ പഠന ആതാ യു ഷുഡ് ലേൺ ടു റീഡ് ഇറ്റ് कोई जबान उर्दू हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं टू लर्न दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज लाइक उर्दू हिंदी अंग्रेजी यू हैव टू नो अबाउट द लेटर राइट सेम लाइक टू नो द स्टोरी ऑफ दिस ईच एंड एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इन दिस वर्ल्ड इफ यू ऑब्जर्व दैम विथ इंटरेस्ट यू विल ऑल्सो लर्न टू रीड दैम एंड यू कैन ऑल्सो हियर द स्टोरी ऑफ द ईच थिंग इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द लेटर्स ऑफ नेचर तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और छट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी देन ओनली यू कैन नोट टू लर्न नोट टू हियर द स्टोरी ऑफ द स्टोन्स एंड द पीक्स एंड ऑल शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो माइट बी यू नो लिटिल बिकॉज यू लव नेचर वेरी मच राइट दैट्स माइट बी यू नो लिटिल टू हियर द स्टोरी ऑफ दिस थिंग्स जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोडा देखती हो इफ यू आर सींग स्मॉल राउंड लाइक ए स्टोन तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कांटी से समिंग टू यू ये कैसे गोल चिकना और चमकीला हो गया एंड हाउ ही बिकम राउंड लाइक चिकना मीन लाइक चमकीला शाइनिंग ओके हाउ इट है उसके खुरदरे किनारे या खोने क्या हुए एंड द स्टोन वॉज है पिन पॉइंट लाइक वेर इंट अगर तुम किसी बड़ी छटान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर, कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा एंड इफ यू ब्रेक समाउंटेन और रॉक्स इट विल बी ब्रेकिंग एंड इन टू पीसेस एंड ईच पीसेस इफ यू सी इट इज हैविंग रफ सरफेस एंड सो मेनी Uh, मुना पोल नोकूला मीन पॉइंट लाइक इट विल बी देयर यह गोल चिकने रोडे की तरफ बिल्कुल नहीं होता नॉट लाइक दिस राउंड लाइक राउंड लाइक दिस सर्कल लाइक स्टोन एंड इट इज शाइनिंग अगर तुम्हारी आंखें देखे इफ योर आर आर सीइंग और कान इफ आर हियरिंग तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो यू कैन हियर द स्टोरी फ्रॉम द माउथ ऑफ दैट स्टोन तुमसे कहेगा एंड ही विल टेल कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो ए लॉट ऑफ डेज पास्ट वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था वॉ ए पार्ट ऑफ ए रॉक ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे एंड द अदर स्टोन दैट जिसे तुम बड़ी छट्टान से तोड़ती हो लाइक यू आर ब्रेकिंग फ्रॉम दैट रॉक्स शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा एंड ही माइट बी फॉल सम प्लेस ऑन द रॉक एंड जिसे तुम बड़ी छट्टान से तोड़ती हो सॉरी दामन में पड़ा रहा तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले आया वेन द वाटर कम बाय द रेन और सम फ्लो इट कम एंड रीच इन द घाटी तक ले गया मीन्स द डाउन ऑफ द माउंटेन वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया लाइक ही रीच इन द कनाल देन सम वाटर अगेन पुश्ड हिम एंड रीच्ड इन टू रिवर्स देन फ्रॉम द रिवर देन इट विल रीच इन ओशन इस छोटे से दरिया से वो बड़े दरिया में पहुंचा पहुँचा बड़े दरिया मीन बिग ओशन इस बीच वो दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा देन इन बिटवीन इट वॉज അണ്ടർ മീൻസ് ിൽ പേന്റേ മീൻ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് പോയി ഉസ്കെ കിനാരെ ഗിസ് ഗെ ഇറ്റ്സ് ഷാർപ്പൺജസ്റ്റ് ചേഞ്ചിൻ ടു സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ഇങ്ങനെ ഒരഞ്ഞൊരഞ്ഞൊരഞ്ഞ് അടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഈ കല്ല് വെറുതെ മിനുസം തിളങ്ങുന്ന കല്ലായി മാറി സോ ഉസ്കെ കിനാരെ घिस गए और चिकना और चमकदार हो गया लाइक इट कम टू स्मूथ एंड शाइनिंग लाइक इस तरह वो कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है लाइक दिस टाइप ऑफ ए स्मूथ स्टोन ही इन द फॉर्म ही के गॉट किसी वजह से दरिया उसे छोड़ दिया और तुम उसे पा गई एनी हाउ ही रीस्ड इन द शोर एंड यू गॉट इट

Under of the water and he will become a small part of sand और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता and he will reach his brothers in the shore of uh, uh, ocean you can know we are used to visit the beach and all there he will might be reaching जहाँ एक सुंदर भालू का किनारा बन जाता and he will become a nice shore देर यू कैन गेट द स्मूथ सैंड टू प्ले देर यू आर गोइंग टू विजिट बीच इन बिटवीन किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालों का घरौंदे बनाते एंड द चिल्ड्रन विल मेक स्मॉल स्मॉल हाउसेस एंड ऑल अगर एक छोटा सा रोडा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है इफ द स्मॉल स्टोन इज टेलिंग यू अ लॉट ऑफ थिंग्स सो इफ यू ऑब्जर्व द माउंटेन्स एंड द अदर थिंग्स इन दिस नेचर दैट इज सराउंड अस इन फोर साइड्स इफ यू ऑब्जर्व द नेचर यू विल गेट एंड वी विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड You can hear a lot of story of this nature. So Jahalal Nehru uh, is telling to her his daughter that you can observe your nature, the each this nature's each thing. If you observe them, and if you love them, you will hear story. Okay. Now, next is uh, like uh, we learned the last lesson. Our Helen Keller was looking like uh, she is observing her nature without her eyes. She don't have eyes, also she is observing a lot. Like Jawaharlal Nehru is also telling that you observe your nature and you will find it lot of things and you will hear lot of stories. Okay, children. So read this lesson four or five times and any meaning doubt you can clear on Google Meet. Till then. Bye bye children. Take care.